एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिक्कू सुमित ऑफिशियल। आप सभी लोग कैसे हैं? पापा जी पीछे हैं, मैं बिना चुन्नी के यहाँ हूँ। सो गाइस, मैं ब्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट। मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और लग गई हूँ अपने रोज़मर्रा वाले काम में। और अभी दिवाली की सफाई शुरू करनी है। बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत फैला हुआ है। मतलब दिवाली में तो ऐसा होता है ना, डीप क्लीनिंग वाला हिसाब होता है। सारे कपड़े छाटो गर्मियों के, क्योंकि विंटर सारी होती है, तो उसके हिसाब से सारे काम करने हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। एंड हमारे घर पे आए हैं बहुत सारे लोग। हमारी बहुत सारी मौसी जी सब आ गए हैं। कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ मामा जी के घर पर हैं। अब हम वेट कर रहे हैं सब लोग कब इकट्ठे होंगे। बहुत मज़ा आता है जब बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो फिलहाल एक मौसी जी यहाँ पर है, बाकी तीन मौसी जी है मामा जी के घर पे। नहीं, एक दो तीन, हाँ तीन मौसी जी हैं। तो मम्मी पूरी सात बहनें हैं, जिसमें से पांच बहनें इकट्ठी हुई है और दो मामा जी हैं। बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हो गए मेरे सारे काम निपट लिए और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि इधर उधर के चक्कर में मायके ससुराल ये वो, और उधर पार्ट चल रहा था। और मतलब बिल्कुल मैंने अपने काम पे फोकस नहीं किया, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टा हो। बहुत सारी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई है। सो मुझे बैक टू बैक सब कुछ कवर करना है, क्योंकि उधर भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। उधर मेरी एनिवर्सरी, छठ पूजा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, बहुत सारी चीज़ें हैं बैक टू बैक। तो उधर भी समय नहीं मिलने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेडी होंगी और रेडी होके अपना वीडियो शूट करूँगी। सो उससे पहले मैं आप सबको बताने वाली हूँ ममा अर्थ के कुछ लिपस्टिक शेड्स, जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। एंड इसके ना टोटल 17 शेड्स है। 17 में से मेरे पास कुछ शेड्स अवेलेबल है। ममा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं ना कि जिसके बारे में मैं आपको बस क्या ही बताऊँ। इतना लॉन्ग स्टे करते हैं आपके लिप्स पे, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। चलिए एक एक शेड दिखाती हूँ और इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। बेटा एक बार अपनी ड्रेस दिखाओ तो। वाह, ये किसने लिया था? पापा ने। हाँ, मम्मा ने लिया था। आपका ये ले। हाँ आपका ये ले। हाँ ये मेरा है, आपका? आपका ये। और एक बार सबको बोल दो हाय गाइस। आप कैसे हो गाइस? और मेरे पास क्या है, ये देखो मेरे पास क्या है। सो गाइज, ममा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक के शेड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे पास ये कुछ शेड्स है जिसके मैं आपको स्वेचेस भी दिखाती हूँ। 12 घंटे तक लॉन्ग स्टे करता है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, स्मच प्रूफ है, इनरिच्ड है एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई, जो कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है। मेड सेफ सर्टिफाइड है, सेफ टू यूज़ एवरी डे। सो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड आपको पता है डेली आप इसको ट्राई कर सकते हो। अभी तो बैक टू बैक दिवाली और बहुत सारे फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल्स पे हम नए कपड़े लेते हैं। नए कपड़ों के साथ नए लिपस्टिक शेड्स लेना भी बनता है। रीजनेबल प्राइस में आपको मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है। आप इसको जब डेली बेसिस पे लगाओगे ना, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। एक भी शेड को मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाला शेड और ये वाला शेड सिमिलर है, काफ़ी अलग अलग है। हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है एंड इसमें कोई भी टॉक्सिन भी नहीं है। और आपको पता है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो आप देखो एक बार में ही बहुत अच्छे से लग जा रहा है। तो इसमें से आप ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसमें से आपको सबसे अच्छा वाला शेड कौन सा लगा। मेरा फेवरेट रेड एंड पिंक है, एंड आपका? उसके बाद मैंने अपना यूज़ किया ममा चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल। इसमें है विटामिन सी एंड चैमोमाइल। ये मेड सेफ है, 11 घंटे तक स्टे करता है आपकी आईज पे, एंटॉक्सिन फ्री है, वाटर प्रूफ है, इंटेंस कलर पे ऑफ, सूथ करता है एंड नरिश करता है आईज को। तो वन स्ट्रोक में ही बहुत अच्छे से लग जाता है एंड आप देख सकते हो। अभी मैंने अपना काजल एंड अपना लिपस्टिक लगा लिया है एंड आपको पता है मैं हमेशा लाइनर की जगह पे इस तरीके से ये अपना चारकोल काजल लगा लेती हूँ। और इसको थोड़ा सा ना
अपने जो ब्रश है उससे ऐसे कर देती हूँ, स्मच कर देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है, मतलब बहुत अच्छा सा आई शेडो टाइप्स लुक आ जाता है। सो इन सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी मैंने आपको लिपस्टिक शेड्स दिखाए हैं और साथ में ये जो काजल है, इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, अमेजोन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो। साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो Nikku2023 तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ है, आप ये देखो, ये जो काजल है ना, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, बहुत अच्छा है। वरना काजल लगाओ तो पूरा ऐसे भूत बन जाता है, पूरा फैल जाता है, तो ये चीज़ नहीं होती है। दूसरी चीज़ है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत जब भी आप ममा से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ममा अर्थ आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक करते हैं, जो कि प्लांट करते हैं आपके बिहाफ पे। और ममा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का, और मुझे लगता है कि वो इस चीज़ में बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ममा अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। साथ में अगर आप अपने घर के आसपास देखोगे ना, तो आपको ममा अर्थ के स्टोर्स भी नज़र आएंगे। सो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। सो मैं ये बताने वाली थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरे लहंगा को लेके, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में मिलकर आपसे बताते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये जो ब्लॉग है आज मैंने क्यों स्टार्ट किया है। बहुत सारी क्वेरी थी कि दीदी आपने ये लहंगा कहाँ से लिया है, बहुत प्रिटी लग रहा है। काफ़ी लोगों ने तो ये बोला, अभी तक जितने आपने लहंगे पहने हैं सबसे ज़्यादा अच्छा है ये लहंगा और इसका कलर। तो मुझे भी पर्सनली, मैं आप बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो कलर बहुत अलग सा था, पूरा येलो लहंगा मिलना बहुत मुश्किल होता है, और मेरा जब शादी हुआ था ना उस टाइम मेरा मन था, जब हमारे यहाँ फेरे होते हैं तो उस टाइम पे येलो ही कपड़े पहनते हैं, तो मेरे हस्बैंड को साड़ी नहीं पसंद थी तो मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, बट मेरा मन था येलो, पर मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं था। बट अभी मेरा वो जो शौक था येलो लहंगा वाला, वो पूरा हो गया है। सो ये जो लहंगा है, ये मैंने चांदनी चौक कार्तिक जिन्नत से लिया है। मैं पूरा जो डिटेल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, उनके स्टोर पर आप विजिट कर लेना। लहंगा बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा मुझे उनके लहंगे की अच्छी चीज़ पता है आपको क्या लगती है, ये कि उनके लहंगे में ना घेर बहुत होता है, और मुझे घेर वाला लहंगा पर्सनली बहुत पसंद आता है। सो मैंने वहीं से लिया था। एंड मेरी ज्वेलरी का सब लोग पूछ रहे थे, तो मैंने जो नेक पीस पहना था वो दोनों अलग अलग है, दस्तूर ब्रांड का वो मैंने, और मैंने वो एक साथ कंबाइन करके लिया था। आ रही हूँ। और गाइज मतलब वो मैंने नीचे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी उस पूरा ज्वेलरी सेट का, तो आप ले लेना। मेरा कुछ कुरियर आया है, मैं वो ले लूँ। नहीं, मैं कर। गुड मॉर्निंग। सो मैं हो गई हूँ सुबह सुबह तैयार, और तैयार क्या, थोड़ा सा ब्लश लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने। ये बहुत मस्त सा सूट पहना है, ये मुझे राखी पे मेरे मामा ने दिया था, छोटे वाले मामा ने। सो मैंने इसको स्टिच करा लिया था और मैंने पहन लिया है। मैं, मम्मी और भाभी, हम तीनों जने जा रहे हैं अपनी शॉपिंग के लिए। आप लोग सोचोगे यार अभी तो इतने शॉपिंग किया है, फिर से शॉपिंग, हमने छठ पूजा है, हमारे लिए बहुत, हमारे लिए बहुत 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 इमोशन, बहुत सारी चीज़ें हमारी छठ पूजा से जुड़ी होती है। छठ पूजा में कोड़ा ही पहनते हैं, तो ऑलरेडी मतलब है एक आध साड़ी तो, बट छठ पूजा जैसे आप लोग, काफ़ी लोग कमेंट करते हो ना, यदि आप इंस्टा से इतने कोलैब होते हैं तो वही साड़ियाँ क्यों नहीं पहनते, तो उनका ये मतलब एक फेस्टिवल पे तो इंसान थोड़ा हैवी पहनने का मन करता है, तो थोड़ा उसके हिसाब से हैवी साड़ी चाहिए, तो वही लेने हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक, दोनों बच्चे और हम तीनों सास बहू है। सो ब्लॉग में बने रहिए। तैयार हो गई हूँ मैं जल्दी से पूजा पाठ करके, और फिर नाश्ता करके निकलते हैं। आज पता है आपको, सुबह मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो है ना, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट परिवार में होता है, अगर लोग होते हैं तो कोई किसी को कुछ नहीं होने देता, ये सच है। मतलब मेरा अचानक से तबीयत ख़राब हुआ और सब ऐसे झुक गए, उस टाइम अगर मैं अकेले होती तो शायद और ज़्यादा पैनिक हो गए और ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ हो सकती। सो मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ किचन विचन और याद देते हैं, सारे बर्तन वगैरह धो के रखे थे, ये सब चीज़ें अरेंज करके एक जगह रख देती हूँ। इधर आ गई मम्मी, और मम्मी आते ही मुझे बहुत ज़्यादा डांटी, क्योंकि आज मैंने छोले बनाए थे सुबह, और छोले में बहुत ज़्यादा मसाला हो गया था, और सुबह ना मतलब मिर्च मसाला खाने की वजह से ही हम लोग को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आजकल हो जा रही है, और फिर काफ़ी मुझे पेन हुआ था, तो वो मुझे बहुत डांटी कि इतना क्यों डाल रहे हो, और सच में आज सुबह ना बहुत ज़्यादा हो गया था। और मम्मी यही कह रही थी कि तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए तुम लोग को बोलती हूँ कि इतना मिर्च मसाला नहीं खाते हैं। फिर मैं विकास के साथ बाइक स्कूटी से गई धनवी को लेने, क्योंकि मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, धनवी को लेने जाना ज़रूरी था, और मार्केट भी जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए जाना पड़ा। तो हम लोग रो रही थी, क्यों लो ली थी? हाँ रो रही थी, मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी ना इसीलिए। हाँ
मैंने पानी तो पी लिया था, चाचू ने दिया था तो पी लिया था। आप अकेले किससे पूछ के उतरे? हाँ अकेले जाओगे आप? पॉटी कर रहे हो? हाँ मैंने बोला ना धनवी, तो कह रही हाँ बोलो क्या है। धनवी धनवी आपको हाँ। ज्यादा जल्दी जाने की हाँ दादी भैया को आने दो। भैया नहीं जाएगा। भैया को आने दो। भैया नहीं जाएगा बेटा। भैया आगे बैठ जाओ। बैठ नहीं भैया नहीं जाएगा। भैया यहाँ बैठेगा। हाँ ये भैया नहीं। एक बार बबनी को लेके गई थी ना अरुण वर्ष में, दिमाग खराब हो गया था। एक तो भीड़ ऊपर से उधर भाग जा रही थी, और एक बार तो जाके उस चेंजिंग रूम में अपने आप को बंद कर ली थी। मेरा तो एकदम दिमाग खराब, ढूंढते ढूंढते परेशान कि कहाँ गई। चांदनी चौक, बाप रे यहाँ तो ये हाल है ना। इस टाइम इतनी भीड़ है कि बस क्या ही बोले, पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतना बुरा हाल है। हम लोगों ने लिया ये वाला रिक्शा, ये 20 रुपये सवारी लेता है, डायरेक्ट अरुण के बाहर उतार देता है, और हम दोनों छोटे बच्चे घर के बैठ गए पीछे। इंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए अरुण वस्त्र भंडार। लेकिन वहाँ पे आपको मैं बताऊँ, लाइन इतनी लंबी थी, कम से कम 1 किलोमीटर दूर से लाइन लगानी पड़ रही थी उसके अंदर एंट्री करने के लिए। फिर बहुत मुश्किलों से अंदर एंट्री हुई, फिर यहाँ 1-1.5 घंटे की लाइन फिर लगी, तब जाके हमें सीट मिली बैठने की, तब हमने साड़ी देखनी स्टार्ट करी। लेकिन हमें यहाँ पर एक भी साड़ी समझ नहीं आई, दोनों बच्चे भी आपस में लड़ रहे थे। तो यहीं पर अरुण में है एक AVI अलग से है पूरा, वहाँ पर आपकी जो साड़ी का रेंज है वो 5+ से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर ना लिमिटेड स्टॉक होते हैं और आपको जल्दी पसंद आ जाती है। तो फिर हमने सोचा इस भीड़ में हमारे बस की बात नहीं है, पहले तो हमने बहुत मुश्किलों से सीट मिली और हम यहाँ पे बैठ गए। फिर हम यहाँ से तुरंत थोड़ी देर में खड़े हुए और हम चले गए AVI जो सेंटर है, मतलब जो अलग से एरिया बनाया वहाँ पे, और वहाँ पे तो 100% है आपको साड़ी पसंद आएगी ही आएगी, लेकिन बस 10 से 15 हज़ार तक की साड़ी आपको पसंद आएगी। लेकिन लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमने तीनों सास बहू ने अपना अपना साड़ी सेलेक्ट किया और ले लिया, और बहुत सुंदर सी साड़ी लिया है। बट इस वाले से मतलब एरिया में काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें ही मिलती हैं। तो उसके बाद फिर हमने दोबारा से रिक्शा लिया और हम निकल गए घर के लिए। यहाँ पे दिख गया फिश धनवी को, और धनवी पीछे पड़ गई, मम्मा चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लिया था और वो एक दिन भी नहीं चले थे, नेक्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि कोई मतलब ऐसे अपने घर पर लाओ और किसी की डेथ हो गई। कह रही इस घर में अंशु है, अंशु कौन है इस घर में, कौन है धनवी? कौन ये नहीं है? म्याऊ म्याऊ। चलो और इस घर में कौन रहता है? हम चल दिए फिर अपने मामा जी के घर। बहुत टाइम बाद आ रही हूँ क्योंकि इतना इधर उधर ही बिजी थी तो आ ही नहीं पा रही थी, लेकिन अभी आ गए हैं और सबसे मिलेंगे, थोड़ा सा सबसे हंसेंगे बोलेंगे बात करेंगे और आज के दिन अच्छा अच्छा बनाएंगे। तीनों सास बहू चल दिए मामा जी के घर। फाइनली हम लोग आ गए हैं मार्केट से मामा जी के घर, बिकॉज नानी जी को थोड़ा सा देखना था, एंड बहुत सारी मौसी आई हैं तो सबके साथ टाइम स्पेंड करेंगे अब। मस्ती मजाक बहुत कुछ होने वाला है मार्केट से। मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आजकल मुझे कुछ कोई भी खाना मैं बाहर का खा लूँ वो पच नहीं रहा है, और मुझे तुरंत प्रॉब्लम हो जा रही है। सुबह तो मेरे यहाँ सीने में इतना पेन उठ गया था कि सब एकदम घबरा गए थे, मुझे सांस ही नहीं आ रही थी सुबह सुबह अचानक से। फिर मैंने 2-3 कंटिन्यू दर्द की दवाई खाई तब मुझे रिलैक्स मिला। फिर मार्केट जाना ज़रूरी था क्योंकि छठ पूजा बहुत नज़दीक है, और साड़ी नहीं लेंगे तो ब्लाउज़ कैसे स्टिच होगा, तो तीनों सास बहू को लेना था, तो तीनों सास बहू ने ले ली साड़ी। अभी नहीं दिखाएंगे, जब उसी टाइम पे दिखाएंगे, क्या जब आएगा छठ तब दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत हेक्टिक था आज का दिन। अरुण से शॉपिंग करना एक बहुत बड़ा जंग जीतने लायक है, मतलब होता है,
और कम से कम 3-4 घंटे की लाइन, फिर सिर्फ हमने 3 साड़ी ली है, तीनों सास बहू ने एक एक, और पूरा दिन हमारा वहाँ चला गया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मम्मी आज मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई। धनवीर